गरीब तबके के बच्चों के निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया आरटीई में सरकार ने इस वर्ष बड़ी विसंगतियां पैदा कर दी हैं, जिस कारण आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, तो वहीं अशासकीय विद्यालयों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। विसंगतियों को दूर करने और छात्र छात्राओं के हित में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल के जिलाध्यक्ष हेमेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में अशासकीय विद्यालयों के संचालकों ने संचालक राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश के नाम का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर सतीश राय को दिया है। सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल के जिला अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों को इस सत्र में सीटों का आवंटन किया गया है, उससे यह अनुमान है कि पिछले सत्र में जिले में जितने छात्र छात्राओं को आईटीई में निःशुल्क प्रवेश मिला था, उसकी अपेक्षा इस वर्ष लगभग 30% छात्र छात्राओं को ही प्रवेश मिल पाएगा, क्योंकि प्रति प्राइवेट स्कूल औसत सीट आवंटन लगभग 3 छात्रों के हिसाब से ही किया गया है, जबकि पिछले सत्रों में औसत 10 छात्र प्रति स्कूल प्रवेश के लिए नियम बनाए गए थे, इसे घटाकर मात्र 3 बच्चों तक सीमित कर दिया गया है। जबकि प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के प्रारंभिक कक्षा में कम से कम 25 या उससे अधिक निशुल्क प्रवेश छात्र छात्राएं ले सकते हैं, फिर इसमें परिवर्तन क्यों किया गया है? श्री तोमर ने कहा कि वंचित और गरीब तबके के छात्र छात्राओं के लिए यह योजना चलाई जा रही है और अब उन्हें ही शिक्षा से वंचित कर दिया गया है। विभिन्न विसंगतियों को दूर करने को लेकर ही ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपते वक्त सीहोर जिले के बड़ी संख्या में अशासकीय विद्यालयों के संचालक मौजूद रहे। आज सारे प्राइवेट स्कूल जो एकत्रित हुए हैं, इसमें आरटी को लेकर विशेष तौर से विसंगतियां जो शासन ने पैदा करी हैं, उसके विरोध में हमने अपना आज ज्ञापन दिया है। डीओ साहब से भी चर्चा करी है, हमने आज कलेक्ट्रेट में भी कलेक्टर सर को ज्ञापन दिया है। इसमें इस साल की जो आरटी के तहत बच्चों के प्रवेश के लिए जो सीटें निर्धारित की हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की विसंगतियाँ हैं, जिसमें कि प्रवेश को बिल्कुल बंद करने की कगार पर ऐसा लग रहा है, और विशेषकर ये अधिनियम है, सरकार इस अधिनियम को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, जबकि इस अधिनियम में योजना समझकर उसको बदलाव कर रही है, जबकि अधिनियम में कोई चेंजेस होना नहीं चाहिए। आपको जो पिछला बताया था इस अधिनियम से संबंधित, सरकार आपको फंड देती है, क्या वो मिल पाया नहीं? हमारा पिछला 2 सत्रों का तो अभी भुगतान हुआ ही नहीं है, उससे पूर्व में भी कुछ कारणों से, अगर टेक्निकली प्रॉब्लम से कुछ बच्चे जो आरटी से भुगतान नहीं हो पाया था, 2018 से लेकर भी कुछ बच्चों का भी पेमेंट रुका हुआ है। अगर ये बिल्कुल इस चीज़ को लेकर हमने आज हमारा तय हो चुका है, और इसको लेकर हम राज्य शिक्षा केंद्र का और शिक्षा मंत्री जी का घेराव करने वाले हैं। अगर इसका निराकरण नहीं होता है तो आगे हमारी बिल्कुल